अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद नाज़मीन। आज हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्ची, जिसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल और 2 तेज़पत्ते, 1 क्यूमिन स्टिक यानी कि दालचीनी की लकड़ी और 3 से 4 हमने मिर्ची इसमें कतर ली है और 1 बड़ा हमारे पास प्याज है जिसको हमने चॉप करके इसमें डाल दिया है, यानी बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, और हल्दी को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। तो हम इसमें डाल देंगे मटन का कीमा। यहाँ पर हमने मटन यूज़ किया है, आप जो कीमा चाहे वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च की पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया हमने, और इसे भी हम कीमे में मिला लेंगे। कीमा हमारे पास 500 ग्राम है यानी कि आधा किलो। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक यूज़ किया है इसमें, और इसके अंदर हमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देना है। तो हमें इसको ऑयल रिलीज होने तक पकाना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो कीमा है वो रेडी है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे हमने कुछ छोटी वाली शिमला मिर्च ली है, जिसके हमें ऊपर से ऐसे काट के इसके अंदर से बीज निकाल दिए हैं, और इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे और इसके अंदर ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और इसे एक बार ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उससे क्या होगा कि शिमला मिर्च में टेस्ट अच्छा आएगा, वो पकी भी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्पॉट्स आने तक इसे फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने जो हमारा कीमा था उसके अंदर धनिया के पत्ते डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून के करीब। तो अब हम 1 छोटे चम्मच से जो हमारी शिमला मिर्च है उसके अंदर ये स्टफ करेंगे कीमा। देखिए हमें अच्छे से अंदर तक इसे भरना है, आप चाहो तो अपने फिंगर से इसे अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी भर के हमने इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल के इसे वापस से एक बार चढ़ा दिया है, और इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी शिमला मिर्ची बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थम्स अप दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।